नमस्कार, मैं आराधना स्वागत करती हूँ आपका कोइनास कॉर्नर में। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और हर किसी की फेवरेट कढ़ी, लेकिन कढ़ी बनाएंगे बिना बेसन के। बिना बेसन के बनाएंगे, जिस तरह से पहले के टाइम में गाँव में बनती थी और आज भी हमारा जो एमपी का गांव है वहां पर हर घर में ये बनते हैं, जिसे मठा के आलू बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो वो एक तरह से कढ़ी है जिसे हम बनाते हैं बिना बेसन के। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। और आप ये भी देखोगे बिना प्याज लहसुन के ये सब्जी बनती है और खाने में इतनी अमेजिंग लगती है कि आप उसे बार बार बनाओगे और बनाने में समय बहुत कम लगता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना फटाफट से। आइए देखते हैं क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ले रखे हैं आलू। आलू हैं, ये हैं बेबी पोटैटो, जिन्हें मैंने बॉयल करके अच्छे से पील करके रखा हुआ है। ये अलग से हम रख देते हैं अभी फिलहाल। पहले मैं ये वाले आलू ले रही हूँ। ये भी छोटे आलू हैं, अगर आप चाहो तो इसमें बड़े साइज़ का भी आलू ले सकते हो। तो ये छोटे हैं इसलिए आपको क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहे हैं। अगर बड़े साइज़ का आलू लो तो दो या तीन आलू काफ़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन आलू को काफ़ी अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारे जो आलू हैं मैश हो गए हैं। तो हल्के हल्के से हैं इसमें, लेकिन ये है इतना चल जाएगा। हम इसी टाइप में कर लेते हैं। तो अब जो ये हमारे आलू हैं इसमें हम डालेंगे छाछ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा घोल बनकर तैयार है, जिसमें थोड़े थोड़े आलू के पीसीस भी हैं और कुछ जो बिल्कुल मैश हो गए हैं आलू वो बिल्कुल इसमें घुल चुके हैं। और ये एक गाढ़ा सा घोल जो हमारा छाछ के साथ रेडी हो चुका है। अब इससे अगला स्टेप हमारा क्या है, अब हम लेंगे एक कटोरी जिसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 3/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, पानी थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से एक स्लरी जो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मसाले पानी में अच्छे से भीग जाएंगे तो इनका जो फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग आता है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर की रेस्ट पर और चलते हैं गैस की ओर और तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। ऑयल जैसे ही आपका गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम, तो एक चम्मच डाल देंगे जीरा। जैसे ही जीरा आपका हो जाए तो डाल देंगे इसमें हींग। अब हींग डालने के बाद हल्का सा मिला लेंगे और जो हमने ये आलू रख रखे हैं बेबी पोटैटो इसको हम डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए आलू को इसी ऑयल में हम फ्राई सा कर लेंगे। इससे क्या होता है टेस्ट जो है और भी बढ़िया आता है। तो हमें हार्डली 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पर हल्का हल्के जो हमारे आलू हैं उनका टेक्सचर जो है हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है और लगभग 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। तो अब गाइस पहले तो डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची, क्योंकि हल्की सी हरी मिर्ची भी फ्राई हो जाती है तो इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ हरी मिर्ची हमने डाल दी, अच्छे से ये फ्राई हो गई। अब बारी आती है हमने जो ये मसाला बनाकर रखा था इसे ऐड करने की। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे डाल देते हैं हमारे जो आलू हैं ये फ्राई हो गए हैं इसके अंदर। मसाले के साथ भी हमें 2 मिनट अच्छे से भून लेना है ताकि जो मसाला भी है वो हमारा अच्छे से भून जाए। तो अब क्या करेंगे, जो कटोरी में हमने मसाला डाला था पानी डाल करके उसको थोड़ा सा वॉश करके डाल देंगे।
तो ये पूरा मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से तैयार है। अब बारी आती है जो हमने ये स्लरी बना करके रखी थी इसे ऐड करने की। डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे पानी, और इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जब तक इसमें एक बॉयल आ ना जाए तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं चलाएंगे तो जो हमने छाछ डाली है इसके अंदर मठा डाला है उसके फटने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ये सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अगर वो फट जाएगा तो हम क्या करेंगे, लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का इसमें बॉयल जो है वो आना स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे अभी और हिलाते जाएंगे ऐसे ही, ताकि हमारी जो कड़ी है वो बिना फटे अच्छी सी बन जाए। गाइस आप देख रहे होंगे अभी तक हमने इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो नमक है वो हम बाद में डालेंगे जब अच्छे से ये खदकने लग जाएगी, उबलने लग जाएगी उसके बाद, क्योंकि अगर नमक पहले डाल दें तब भी जो मठा है छाछ है उसके फटने का डर रहता है, तो हम पकने के बाद फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इसी तरह से थोड़ी देर चलाते जाएंगे और ये खूब अच्छे से जब खदकने लग जाए, उबलने लग जाए, तब हम इसे 5-6 मिनट और देंगे अच्छे से बॉयल होने के लिए, ताकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अमेजिंग आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बॉयल आ रहा है और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और बिना बेसन के बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, टेस्ट भी इसका हल्का सा डिफरेंट होता है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बॉयल करते रहेंगे और चलाते रहेंगे, और देखिए कितने अच्छे से ऊपर इसका जो टेक्सचर है वो आया है, बड़े अच्छे से ऑयल जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो इट मीन्स ये हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो हम इसे थोड़ा सा और चलाएंगे बस, और ये हमारी गर्मा गर्म कढ़ी जो है बिना बेसन वाली बनकर तैयार हो गई। अब इसमें डालेंगे हम नमक, डाल लेंगे हरा धनिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। तो मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी ये मठा की आलू बनकर हुए हैं तैयार। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये बनकर रेडी हो गई है। तो गैस को कर देते हैं अब बंद, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये गर्मा गर्म कढ़ी हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा और हरा धनिया, है ना ये अमेजिंग सी रेसिपी बिना प्याज लहसुन के। तो गाइस है ना ये अमेजिंग सी रेसिपी बिना प्याज लहसुन के, और तो और बिना बेसन वाली कढ़ी, तो ज़रूर से ट्राई करें। आई होप आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द।